और फिलहाल इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, सिक्किम विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर है। सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और यहां पर दो सीट बीजेपी को मिलती हुई, बीजेपी एक सीट पर आगे निकल चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे लगातार नजर आ रहे हैं। 32 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है और यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, फिलहाल सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को लगातार दूसरी बार सिक्किम में जीत की उम्मीद है, तो वहीं विपक्षी एसडीएफ उसे सत्ता से बेदखल करने पर नजरें टिकाए हुए हैं। ऐसे में बीजेपी एक सीट पर आगे चल रही है। सिक्किम में कुल मिलाकर 32 सीटें, सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। साथ साथ में अरुणाचल के बारे में भी आपको बता रहे हैं, वोटों की गिनती लगातार रचना जारी है और इस बीच में हमारी नजरें भी बनी हुई भाजपा कांग्रेस और सिटीजन एक्शन पार्टी सिक्किम के उम्मीदवार भी इस वक्त मैदान में हैं। देखिए, आपने जिक्र किया एसकेएम का, एसकेएम एक और बीजेपी यहां पर एक एक सीटों पर आगे बढ़ गई है। सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें, बहुमत का आंकड़ा 17 है और राज्य में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एसडीएफ और कांग्रेस और भाजपा यहां पर प्रमुख पार्टियां हैं। फिलहाल यहां सिक्किम की बात करें तो एसकेएम को एक और बीजेपी को यहां पर एक सीटों पर बढ़त है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 14 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और लगातार जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा भी क्योंकि मैदान में है, एक सीट से वो आगे चल रही है, बीजेपी एक सीट से आगे चल रही है, तो एसकेएम यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा भी एक सीट पर आगे है। जहां अरुणाचल प्रदेश में 14 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, वहीं सिक्किम की बात की जाए तो 32 में एक पर भाजपा आगे है और एक पर एसकेएम यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं और पार्टी आगे चल रही है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल यहां प्रेम सिंह तमांग उर्फ पीएस गोले के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम की सरकार है। 2019 विधानसभा चुनाव का जिक्र यहां पर करें तो एसकेएम को 17 सीटें मिली थी, एसडीएफ के खाते में 15 सीटें आई, भाजपा और कांग्रेस सिक्किम में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन देखिए, बीजेपी यहां पर फिलहाल एक सीट पर आगे चल रही है, लगातार वोटों की गिनती जारी है सुरक्षा व्यवस्था के बीच। और ये बड़ी जानकारी जो कि देखिए, सिक्किम में भाजपा और कांग्रेस ने अपना खाता नहीं खोल पाई थी। हालांकि 13 अगस्त 2019 को पूर्व सीएम पवन चामलिंग की पार्टी एसडीएफ के 15 में से 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। तो सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें, वोटों की गिनती जारी है, एक सीट पर बीजेपी आगे, बहुमत का आंकड़ा यहां पर 17 है राज्य में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। और देखिए, एक और बड़ी जानकारी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो एक और सीट पर आगे चल रही है यानी कि दो सीटों पर यहां पर आगे चल रही है एसकेएम। बिल्कुल, और इस बीच वोटों की गिनती लगातार जारी है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा दो वोट सीट पर आगे चल रही है, भाजपा एक सीट पर आगे चल रही है। तीन सीटों के बारे में जानकारी आपको दे रहे, कुल मिलाकर सिक्किम की 32 सीटें, विधानसभा चुनावों के परिणाम आज घोषित होंगे। ऐसे में वोटों की गिनती लगातार जारी, जहां अरुणाचल प्रदेश में 14 सीटों पर भाजपा आगे है, तो वहीं अगर सिक्किम की बात की जाए तो विधानसभा चुनावों में 32 में से एक सीट पर भाजपा आगे और एसकेएम यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। बिल्कुल साक्षी, देखिए शुरुआती रुझान है, इंतजार करना होगा, लेकिन ये अच्छी खबर बीजेपी के लिए है जो कि 2019 में एसकेएम को 17 सीटें मिली थी, एसडीएम के खाते में 15 सीटें, एसडीएफ के खाते में 15 सीटें आई थी और भाजपा और कांग्रेस सिक्किम में खाता तक नहीं खोल पाई थी। लेकिन शुरुआती रुझान में अगर सिक्किम की बात करें तो यहां पर बीजेपी एक सीट पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जो जहां लोकसभा चुनावों के परिणाम 4 जून को आएंगे, वहीं लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो मैदान में 146 उम्मीदवारों में से सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और उनकी पत्नी यहां पर कृष्णा कुमारी राय भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग और पूर्व भारतीय फुटबॉलर भाईचुंग भूटिया भी प्रमुख उम्मीदवार हैं। इस बीच विधानसभा चुनावों क्योंकि आज परिणाम आ रहे हैं, उसके ऊपर नजरें लगातार हमारी हैं और लगातार हम पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एसडीएफ 1994 से लेकर 2019 तक लगातार 5 बार सत्ता में रही है। पार्टी चीफ पवन चामलिंग, जिसका जिक्र आप कर रही थी साक्षी, लगातार 24 साल 166 दिन तक सीएम पद पर रहे और वे देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेता हैं। सिक्किम एकमात्र राज्य है जिसने 1979 के बाद सभी विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों को सत्ता सौंपी है। फिलहाल देखिए, ये बड़ी जानकारी है,
सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें, बहुमत का आंकड़ा यहां पर 17 है। राज्य में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम फिलहाल 2 सीटों पर आगे है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस और भाजपा यहां पर प्रमुख पार्टियां हैं। फिलहाल यहां प्रेम सिंह तमांग उर्फ पीएस गोले के नेतृत्व में एसकेएम की सरकार है। 2019 का अगर यहां पर जिक्र किया जाए तो एसकेएम को 17 सीटें मिली थी, एसडीएफ के खाते में 15 सीटें आई थी। भाजपा और कांग्रेस सिक्किम में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन भाजपा के लिए बीजेपी के लिए यहां पर अच्छी खबर है, 1 सीट पर बीजेपी आगे चल। तो रंजना, सिक्किम में एक बार फिर से आएगी प्रेम सिंह तमांग की सरकार या नहीं, ये आज स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। इस बीच नजरें लगातार है सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों की ऊपर, क्योंकि आज नतीजे आएंगे। और इस बीच मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा अभी सत्ता में है और साथ साथ में एसकेएफ का सीधा मुकाबला सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ में है। यहां भाजपा और कांग्रेस भी है, लेकिन इनकी मौजूदगी नामात्र बताई जाती है।